उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें इग्नोर किया जा रहा अच्छा। है, बजट के इश्यूज हैं, हमारी फैसिलिटीज की इश्यूज हैं, सही बात है। वेयर एज वो देखते हैं इंडियन कश्मीर को, हाँ। वो इंडियन कश्मीर में अपने रिश्तेदारों को देखते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि उनकी लाइफ बड़ी स्टेबल है अब, हाँ। और उनको बड़ी फैसिलिटीज भी आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं, सही बात है। जो वो यहाँ पे इग्नोर फील करते हैं कि एज ए रिश्तेदार उनको वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। थ्रू आउट हम 9th 10th इंटरमीडिएट इवन के आपके ओ लेवल्स वाले भी अगर कुछ पाक स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं तो उनको यही आइडिया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है और इसके अलावा उनको खास आइडिया नहीं होता। अच्छा, ये भी तो पढ़ाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पढ़ाया जाता है ना, कभी नहीं बन तो नहीं रहा। पाकिस्तान भी अभी मकबूजा कश्मीर ही बना हुआ है जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, तो अभी देखें जो मकबूजा कश्मीर था वो तो आज़ाद कश्मीर से भी आगे निकल गया। जैसे इंडिया ने अपना ना उसका रिसेंटली अभी स्टेटस चेंज किया है कश्मीर का, उसमें ये है कि अब इंडिया ने मजीद उसमें अभी ये अभी G97 का इजलास हुआ है, वहाँ पे तकरीबन अरबों खरबों डॉलर की सरमायाकारी इंडिया लेके आ रहा है कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इंडिया के साथ लगता है। अच्छा। और इंडिया आपको जारी बात है पता है कि वो अपने एलिमेंट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं मूव तो कर ही रहा होगा ना, कि लोगों को नेगेटिव करने के लिए या लोगों कुछ तो रियलिटी है कि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत साइज में बड़ी है तो वो ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं। और जब आप कह लें कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि इंडिया को तो उसका फोकस करना ही करना है, अगर आपकी गवर्नमेंट भी स्टेप लेने के काबिल है तो कर ले, वरना अभी तो हम इस कैपेसिटी में ही नहीं है ना कि हम कोई काम कर सकें। तो हमारे लीडर भी कहते हैं बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो आई डोंट थिंक कि हम कोई इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। हम भी अपनी बुक चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं टॉपिक आज़ाद कश्मीर वाला, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, डिस्प्यूटेड लैंड ख़त्म कर देते हैं। उनको समझ लग गई है कि ये तो कश्मीर लेने आए थे लेकिन ये तो खुद भी अभी तक मुकम्मल आज़ाद नहीं है। देख लें आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देख लें, उसके बरक्स जो फैसले हो रहे हैं अभी पाकिस्तान अभी तो खुद वो उनको पता है कि मकबूजा कश्मीर है तो इन्होंने हमसे क्या कश्मीर लेना है, तो इसलिए उन्होंने जो भी इकदाम उठाया है वो उनके मूल के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार रिएक्शन वाली वीडियो में आपका वेलकम है। छोटी सी वीडियो तो आपने देख लिया दोस्तों, कश्मीर के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है दोस्तों। पाकिस्तानी की थिंकिंग, पाकिस्तानियों की सोच अब कश्मीर को लेकर क्या हो चुकी है, छोटी सी वीडियो देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया है। चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है तो पूरी वीडियो में लगे रहिएगा, सीधा वीडियो को लगाते हैं। चलिए वीडियो। नाज़रीन, इंडिया ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है अपने निसाब में। इंडिया की सरकार ने 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर को रिप्लेस कर दिया है, आज़ाद पाकिस्तान के चैप्टर को रिप्लेस कर दिया है आर्टिकल 370 के साथ। कि किस तरह जम्मू कश्मीर से इंडिया की सरकार ने आर्टिकल 370 रिमूव किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के निसाब की तो पाकिस्तान में आज बच्चों को सदियों पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, और अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर के बारे में आज बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? जी आमिर भट्ट। आमिर सर, क्या करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक उसमें हूँ, लॉजिस्टिक फील्ड में। अच्छा, सही। सर अगर हम बात करें हमारे हमसाय मुल्क भारत की, तो इंडिया ने अपने 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। पहले 12वीं क्लास को पॉलिटिकल साइंस में आज़ाद पाकिस्तान के नाम से एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है आर्टिकल 370 के साथ। कि किस तरह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? हम आज तक अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें भी डेफिनेटली कोई स्टेप लेना चाहिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सही, कि उसमें हमें भी तब्दीली करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा मौकफ है कश्मीर पे, उसको स्टैंड देना चाहिए और उसका काउंटर अटैक, यानी जिस तरह उन्होंने अपने सिलेबस में इसको चेंज किया है, हमें भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको हमें भी अपना स्टैंड जो है उसमें मेंशन करना चाहिए, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन पढ़ के आ रही है उसको कम अज़ कम एक क्लियर पिक्चर मिले कि एक्चुअली वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि उसका कोई सद्देबाब या अकॉर्डिंगली जैसे उसका काउंटर अटैक जो है वो हमारे सिलेबस में भी होना चाहिए। अच्छा। कि भी हमारा उसके ऊपर स्टैंस क्या है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने चेंजेस किए हैं तो हमें भी अपने सिलेबस में
चेंज करनी चाहिए हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर हम क्या चेंजिंग्स करेंगे, आज़ाद कश्मीर के लिए हमने क्या किया, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग जो हैं रोटी के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से तंग आए पड़े हैं, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उनका पूरा बजट नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहाँ की सरकार ने वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट की है, चलिए उनके निसाब में ये तो शामिल किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने क्या किया। देखें जो पाकिस्तान का डे फर्स्ट से स्टैंस है इस टॉपिक पे, उस स्टैंस को स्टडी करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अच्छा। और जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको सारों को कंसेंसस के साथ और विद एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ लाइजॉन करके एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें लेके चलना चाहिए, और जितना हो सके उसको कश्मीर के लोगों को तहफ़ात जितने भी हैं उनके बजट के या जो भी उनके मसाइल हैं उनके बैठ के किसी टेबल टॉक पे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अच्छा। मैं भी विजिट करने गया हूँ तो मुझे भी वहाँ के लोगों के व्यूज़ बड़े बड़े आप कह लें सप्रेस किस्म के मिले। अच्छा। जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे कि भाई हम वी आर अ पार्ट ऑफ कश्मीर एंड कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके तहफ़ुज़ात को एड्रेस करना चाहिए। आपने क्या देखा सर वहाँ पे, लोगों का क्या कहना था, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ व्यूज़ हमारे साथ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस जगह मैं ठहरा हुआ था कश्मीर में, अच्छा, तो मेरे ख्याल से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। बजट के इश्यूज़ हैं, हमारी फैसिलिटीज़ की इश्यूज़ हैं, वेयर एज़ वो देखते हैं इंडियन कश्मीर को, वो इंडियन कश्मीर में अपने रिश्तेदारों को देखते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि उनकी लाइफ बड़ी स्टेबल है अब, और उनको बड़ी फैसिलिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं, जो वो यहाँ पे इग्नोर फील करते हैं कि एज ए रिश्तेदार उनको वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अच्छे तरीके से लेके चले और उनकी जो भी तहफ़ात हैं बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनको इकॉनमी में कोई पार्टिसिपेशन दें या जैसे भी उनको इंगेज किया जाए, क्योंकि हमारे आपको पता ही है डैम्स का इशू है, डैम्स वहाँ बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा। सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी जो भी तहफ़ात हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है सीरियसली, और ये पुराना टाइम ओवर हो चुका है, अभी के जो करंट अफेयर्स उनके चल रहे हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा। और इस वक्त तो गवर्नमेंट आ गई है, यानी ये नई गवर्नमेंट आ गई है, इनको चाहिए कि वहाँ पर स्टैंड लें और उनके मसाइल को दूर करें। अच्छा। आप ये देखें कि 21वीं सदी चल रही है, ये 2024, उसमें भी अभी तक हमारे निसाब में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। हाँ, निसाब में तब्दीली हुई है लेकिन नवाज शरीफ के एक चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। इंडिया देखें वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 किस तरह से रिमूव हुआ, अपने स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया। आपको लगता है कि ये कहीं तरह से भी जस्टिफाई है? नहीं, बेसिकली तो मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि कोई चैप्टर किसी भी बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया जाए अपने सिलेबस में। अच्छा। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर इस वक्त चल रहा है, जो तब्दीलियाँ इस वक्त हमारे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हो रही हैं। अच्छा। उनको कम अज़ कम एड्रेस होना चाहिए हमारे सिलेबस में, अदरवाइज़ तो सिलेबस पढ़ाने का कोई जवाब नहीं ना है कि आप 50 साल पुराना या 20 साल पुराना या 40 साल पुराना सिलेबस बच्चों को पढ़ाई जाए और उसमें बच्चे भी बाद में फील करें कि हमारा हमसाया मुल्क क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ ना कि किस मुंह से फिर हम लोग ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि इतना बड़ा मसला यूएन में चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम आज़ाद कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, कोई हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। उसके बरक्स आप जम्मू कश्मीर में देख लें कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आज़ाद कश्मीर के पास डैम नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, आईटी का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में देख लें कि वहाँ के लोग किस तरह जो है फैसिलिटेट हो रहे हैं आईटी के निज़ाम से, एजुकेशन के निज़ाम से, वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के नौजवानों को जो है एम्पावर किया जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे एजुकेशन और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा। ये नहीं है कि टोटली इग्नोर है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनकी जो भी इस वक्त डिमांड्स हैं उनको स्टडी करने की ज़रूरत है और प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इग्नोरेंस बढ़ती जाएगी और एक नया रूप अडॉप्ट कर सकती है, कोई नया रुख अडॉप्ट कर सकती है। ये देखें ना कि
आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया ने उसमें कितनी डेवलपमेंट की है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया एक ही बात कहता रहा है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। और मेरा ख्याल है इंडिया ये पूरी दुनिया को साबित करने में कामयाब भी हो गया है, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई, आर्टिकल 370 रिमूव किया, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया, और अब जिस तरह वो अपने इंडिया के बच्चों को जो है आर्टिकल 370 रिमूव करने के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में हमारे स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। कोई ना कोई अनवांटेड प्रॉब्लम अराइज होती है, उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं होता, वो टॉपिक बन जाता है और दुनिया सारी उसके पीछे लग जाती है, अपनी एनर्जी भी ज़ाया करती है और अपने आप कह लें कि रिसोर्सेज भी ज़ाया करती है, और जलाओ घराओ छोटी छोटी चीज़ों पर, मोटरवेज बंद करना और ये वो सारा कुछ हो रहा होता है। हालांकि मोटरवेज बंद करने चाहिए थे इस टॉपिक पर, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट या जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट थी जब ये हो रहा था तो उस वक्त इतना ज़्यादा रिजिस्ट नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादती है। हमें उसी वक्त रिजिस्ट करना चाहिए था, हमें उसी वक्त अपना मौकफ सामने रखना चाहिए था और मेजर्स लेने चाहिए थे, जो कि अभी भी लिए जा सकते हैं। अभी भी हम बहुत लेट नहीं हैं, लेकिन लेट हैं, बहुत लेट नहीं है। अच्छा। उनकी जो भी तहफ़ुज़ात हैं, उनकी जो भी इग्नोरेंसेस हैं, उसको हमें कवर करना चाहिए। सर, आपको पता है इंडिया इस बात का दावा करता है कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई या जंग करने की जरूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए हैं वो खुद ब खुद जो है इंडिया के साथ इल्हाक कर लेंगे। और आपने वहाँ जाकर भी लोगों के जज्बात और तासरात देख लिए हैं कि जम्मू कश्मीर को वो किस तरह हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है, और इग्नोरेंस तो है, वो इग्नोर फील कर रहे थे। जब मैं वहाँ था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर, तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला, लाइट जा रही है आ रही है, और उनके कई मसाइल मैंने सुने वहाँ पे। सर, पानी का मसला है, गैस का मसला है, एजुकेशन के निज़ाम का मसला है, हेल्थ निज़ाम नहीं है, मीलों दूर तक उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसी का इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाते वो अपने प्यारों को खो बैठते हैं। और देखें, बात यह है कि मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान पर ही फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंडिया के साथ लगता है। अच्छा। और इंडिया, आपको जारी बात है, पता है कि वो अपने एलिमेंट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं मूव तो कर ही रहा होगा ना, कि लोगों को नेगेटिव करने के लिए, या लोगों कुछ तो रियलिटी है कि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत साइज़ में बड़ी है, तो वो ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, और जब आप कह लें कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि इंडिया को तो उसका फोकस करना ही करना है आज़ाद कश्मीर में, और जो जम्मू कश्मीर उनके पास है, और उनके अजाइम तो आपके सामने आ गए हैं खुल के। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की खामोशी जो है वो आवाम के लिए बहुत किलिंग है, नहीं होना चाहिए था, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस वक्त की जो आवाम थी, यानी जो स्टूडेंट थे, यूनियंस थी, इनको निकालते। अच्छा। और एहतजाज होता प्रॉपर इस टॉपिक पे कि भाई कैसे वो अपना पार्ट बना सकते हैं इंडिया वाले। अच्छा। जबकि वहाँ से ही हमारे दरिया आते हैं, वहीं से हमें पानी मिलता है, और बाकी मामला भी वही हैं, तो उनको जोड़े रखना पाकिस्तान के साथ बहुत ज़रूरी है, और जो हो गया वो हो गया। मेरा ख्याल है कि लुकिंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि फौरी तौर पे इसके ऊपर इकदाम करें, सीरियस एक्शंस लें, और उनके जो भी तहफ़ुज़ात हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा है दोस्तों, तब से आज़ाद कश्मीर वाले लोग जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। इनकी अब औकात ही नहीं है कि ये कश्मीर जो है वो इंडिया से छीन कर ले जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।